एक रोटी खा लो, आप कहोगे नहीं हमें 5 रोटी की डिमांड है, मैं आपको केवल एक रोटी सप्लाई कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पैथोलॉजी के लेक्चर में इस्केमिक हार्ट डिजीज ही पढ़ेंगे, पर उसके पहले हम सप्लाई और डिमांड के मेथड को समझेंगे एक बार, ठीक है? क्योंकि अगर आपने सप्लाई और डिमांड मेथड समझ लिया तो आपको IHD मीन्स इस्केमिक हार्ट डिजीज बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, आपके लिए कोई भी करने एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले हम एक बार इस्केमिक हार्ट डिजीज को देखते हैं, ठीक है? इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इस्केमिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन में देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है इस्केमिक हार्ट डिजीज डिफाइन एज द क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन। पैथोलॉजिकल मीन्स डिजीज स्टेट, ठीक है? पैथोलॉजिकल कंडीशन विच इज अराइज फ्रॉम द इम्बैलेंस, विच इज अराइज फ्रॉम द इम्बैलेंस बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, द सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द मायोकार्डियल मसल्स, ठीक है? तो जो मायोकार्डियल मीन्स हार्ट की जो मसल्स हैं, उनकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई है और डिमांड है, उनकी कितनी डिमांड है और उनको कितनी सप्लाई मिल रही है, अगर इन दोनों के बीच में कोई भी इम्बैलेंस हुआ, कोई भी इम्बैलेंस हुआ तो जो डिजीज होगी इसके थ्रू वो इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, ठीक है? एक सिंपल वे में, बहुत सिंपल वे में आपको समझाता हूं। ये सपोज दैट आपके पास एक बैलेंस है, ये सपोज दैट आपके पास एक बैलेंस है, ये मैंने O2 का कर दिया यहाँ पे डिमांड, ठीक है? और यहाँ पे मैंने O2 की क्या कर दी, सप्लाई, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, O2 का डिमांड बढ़ा रहा हूँ जबकि O2 की सप्लाई कम कर रहा हूँ। अब O2 का डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम होगा, तो 100% आपको IHD मिलेगा, ठीक है? इस्केमिक हार्ट डिजीज मिलेगा, ठीक है? तो ये थी डिमांड और सप्लाई की। ठीक वैसे जैसे आपको 5 रोटी चाहिए बट मैं आपको एक रोटी खाने के लिए दे रहा हूँ, तो आपके अंदर धीरे धीरे जनरलाइज वीकनेस आएगी। जब आपके अंदर वीकनेस आएगी तो वो आपकी एक डिसेबिलिटी होगी। सेम वैसे ही आपको हार्ट को जितनी ऑक्सीजन या ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई चाहिए हार्ट के मसल्स को, पर आपने उतनी सप्लाई करी नहीं, अब उतनी सप्लाई नहीं की तो उसके अंदर कार्डियक डिसेबिलिटी होगी, ठीक है? अब कार्डियक डिसेबिलिटी होगी तो कैसे होगी, क्या होगी, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। बट फर्दर हम इस्केमिया के बारे में बात कर लेते हैं, या इस्केमिक कंडीशन क्या होती है, ठीक है? इस्केमिक कंडीशन सिंपल सी है। सपोज दैट आपके पास ये एक ऑर्गन है या सेल है, कुछ भी है, सेल है, टिश्यू है या फिर ऑर्गन है, ठीक है? इसको मैं कोई कहीं से ब्लड की सप्लाई कर रहा हूँ, कहीं से क्या हर्ट इसको ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है? अब इसके लिए यहाँ पे जब मैं इसको ब्लड सप्लाई कर रहा हूँ, सपोज दैट किसी भी रीजन की वजह से इसकी ब्लड सप्लाई में कमी आ गई, ठीक है? ब्लड सप्लाई में कमी आएगी। अब जब ब्लड सप्लाई में कमी आएगी तो ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी ट्रेवल करता है, ऑक्सीजन में भी कमी आएगी, तो इस सेल को, इस टिश्यू को, इस ऑर्गन को जो भी ऑक्सीजन मिल रही थी फर्दर उसमें कमी आ गई। अब कमी आने की वजह से जो इस सेल के अंदर कंडीशन आएगी वही कंडीशन को बोलते हैं हम स्केमिया। क्या बोलते हैं, स्केमिया, ठीक है? तो जैसे ही हम ये हार्ट पे एक बार देखते हैं, हार्ट में हम जो ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे उसमें कमी आ गई थी जबकि उसका डिमांड तो उतना ही था, ठीक है? डिमांड उतना ही था बस सप्लाई में कमी आ गई। जैसे ही सप्लाई में कमी आई डिमांड सेम था तो उस टाइम इसके हार्ट के अंदर कंडीशन आ गया इस्केमिया। इस्केमिक कंडीशन आते ही जो हार्ट में डिजीज हुई वो इस्केमिक हार्ट डिजीज कहलाएगी, ठीक है? फिर उसके बाद इसकी एक अल्टरनेट नेम हम देते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है? वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होगी, वो क्या है, वो भी आपको बता देंगे, ठीक है? तो डेफिनेशन से क्लियर है। उसके बाद इसके कॉमन कॉज की बात करते हैं, ठीक है? कॉमन कॉज में क्या कह रहा है, नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है? कोरोनरी आर्टरी में कोई भी नैरोइंग हुआ या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो उस टाइम जो डिजीज होगी वो इस्केमिक हार्ट डिजीज होगी, ठीक है? अब कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करती है, ठीक है? ये सपोज दैट ये आपका एक हार्ट है, ठीक है? ये रहा आपका प्यारा सा हार्ट, ठीक है? इस हार्ट में ये आपकी निकली, यहां से आपकी निकली एओटा, ठीक है? एओटा नीचे आ गई इसके भी। अब एओटा से ही एक इधर की तरफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, ठीक है? और एक इधर की तरफ निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी। आप जब हार्ट पढ़े होंगे तो रिकॉल कर लीजिए, ठीक है? तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी ही हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती है ब्लड की, ठीक है? तो इनके बीच में ये जो आपकी आर्टरी थी, ठीक है, इस आर्टरी के बीच में कहीं पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, यहां से जो ब्लड फ्लो कर रहा था ये ब्लड फ्लो कम
कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम होते से ही यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इस्केमिक कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इस्केमिक कंडीशन आते ही इस्केमिक हार्ट डिजीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अल्टरनेट टर्म की बात करते हैं। अल्टरनेट टर्म में इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर सीएडी भी बोलते हैं। सीएडी कैसे बोलते हैं, ये जो इस्केमिक कंडीशन हार्ट में आई है ये कोरोनरी आर्टरी में जो डिजीज हुआ है उसी की वजह से आई है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब हम आगे चल के इसके एटियोपैथोजेनेसिस की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल इस्केमिक हार्ट डिजीज की, इस्केमिक हार्ट डिजीज की एटियोपैथोजेनेसिस में फर्स्ट है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या होता है। सबसे पहले अगर हमें ये जानना है तो एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानना होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन है जिसमें एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लाक बन जाता है कोरोनरी आर्टरीज में। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लाक बनने की वजह से वहां पे नैरोइंग हो जाएगी। तो दिस एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच इन द कोरोनरी आर्टरी देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोमेटस प्लाक एंड आफ्टर दिस देयर विल बी अ नैरोइंग ऑफ ये नैरो हो गया, यहां पे देखिए नैरो हो गया, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। पहले इतना इसका ल्यूमेन था, अब जैसे ये प्लाक बन गया, ये इतना दूर का जो प्लाक बना था इस प्लाक की वजह से इसकी ल्यूमेन इतनी ही रह गई। ठीक है, ये आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती थी, इस कोरोनरी आर्टरी में क्या बन गया आपका एथेरोमेटस प्लाक। ठीक है, क्या बन गया एथेरोमेटस प्लाक। ये प्लाक क्या होता है, जो एथेरोमेटस प्लाक है ये प्लाक कुछ नहीं है, तो ये स्वेलिंग सी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, स्वेलिंग सी आ जाएगी कोरोनरी आर्टरी के अंदर की तरफ, ल्यूमन में अंदर की तरफ। ठीक है, इसकी जो एंडोथेलियम होगी ना इस पे बनेगी, कोरोनरी आर्टरी की जो एंडोथेलियम होगी इस पे बन जाएगी एक स्वेलिंग सी। ये स्वेलिंग किससे बनती है, फैट से बन सकती है। ठीक है, प्लस में आपको कोलेस्ट्रॉल से बन सकती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल से बन सकती है, फैट से बन सकती है। तो जो एथेरोमेटस प्लाक बनेगा कोरोनरी आर्टरी में वो मेन कॉज होता है, वो 90% केसेस में यही कॉज करता है। ठीक है, 90% केसेस में यही कॉज करता है। अब सपोज दैट यहाँ पे जैसे एथेरोमेटस प्लाक बना, यहाँ से जो ब्लड की सप्लाई हो रही थी, ये ब्लड की सप्लाई ये ल्यूमन कम होने की वजह से, इतना सा ल्यूमन पहले जो इतना ल्यूमन था वो ल्यूमन अब इतना सा रह गया, अब यहाँ से ब्लड जो निकलेगा बहुत कम निकलेगा। ठीक है, ये ब्लड की सप्लाई यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब डिक्रीज होगी तो डिक्रीज होने की वजह से जो आपका हार्ट है, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जितनी मात्रा में मिलनी चाहिए, तो वहां पे इस्केमिक कंडीशन आ जाएगी, इसीलिए इसको इस्केमिक हार्ट डिजीज बोला गया है। ठीक है, तो इसकी जो एटियोपैथोजेनेसिस है इसमें सबसे पहला कॉज है कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कि 90% केसेस में ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉन एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज, ये करता है 10% केसेस में। ठीक है, अब 10% केसेस में क्या हो सकता है, जहां पे आपको एथेरोमेटस प्लाक नहीं बनेगा फिर भी जो कोरोनरी आर्टरी है उसके ल्यूमेन कम होगी। ल्यूमेन कम कैसे होगी, सपोज दैट वहां पे आपको स्टेनोसिस मिल सकता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस मिल सकती है। ठीक है, दूसरा क्या मिल सकता है वहां पे, वैसोस्पाज्म मिल सकता है आपको। वैसोस्पाज्म क्या है, कोई भी आर्टरी है उसका कॉन्ट्रैक्ट होना। अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। सपोज दैट ये आर्टरी थी, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इसमें से ब्लड फ्लो कम जाएगा, वैसोस्पाज्म हो सकता है, उसकी स्टेनोसिस हो सकती है, हार्डनिंग हो सकती है, हार्डनिंग की वजह से भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इसमें आपका ट्रॉमा हो सकता है। ठीक है, कि वहां पे आपको ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा मीन्स कोई फिजिकल आपको चोट लग गई। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में आपकी ये कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई कर रही थी ब्लड, इसी में डैमेज हो गया, इसमें डैमेज हो गया तो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होगी नहीं हार्ट को, होगी नहीं, इस्केमिक कंडीशन आ जाएगा, इस्केमिक हार्ट डिजीज हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये तीन चार केसेस है। यहाँ पे आपको थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, थ्रोम्बोसिस क्या है, कुछ नहीं, ब्लड क्लॉट, मे बी कोरोनरी आर्टरी में कहीं पे कोई ब्लड क्लॉटिंग हो गई, वो जाके कोरोनरी आर्टरी में फंस गई। ठीक है, या कोरोनरी आर्टरी थी, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग आके फंस गई। ये सपोज दैट आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, ब्लड क्लॉट आया, थ्रम्बस आया यहाँ से। ठीक है, थ्रम्बस आया और ये आके यहाँ पे फंस गया। ठीक है, फंसने की वजह से ये ल्यूमन कम हो गया, इसका ल्यूमन कम होने के ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो थ्रम्बस की वजह से, ट्रोमा की वजह से, वैसोस्पाज्म की वजह से ओनली 10% जबकि 90% केसेस में कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस से हो रहा है। ठीक है, अब देखना जो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था, ये एथेरोस्क्लेरोसिस है, ये जो कोरोनरी आर्टरी थी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में कितने कितने परसेंटेज में होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपका प्यारा सा क्यूट सा हार्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, निकालते हैं एओर्टा। तो ये निकली आपकी
ये होता है, ये घूम के पीछे से होके हार्ट के बैक साइड से होके नीचे की तरफ जाकर डिसेंडिंग एओर्टा बना लेती है, ये नीचे की तरफ गई और डिसेंडिंग एओर्टा इसने फॉर्म कर दी। अब जो ये एओर्टा निकली थी यहीं से निकलती है इधर की तरफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और इधर की तरफ राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये फर्दर जाकर डिवाइड हो जाएगी, एक ब्रांच सामने की तरफ आ जाती है और एक ब्रांच घूम के पीछे की तरफ चली जाती है, एक ब्रांच सामने की तरफ आ गई और एक पीछे की तरफ घूम के चली गई, ठीक है। ये जो सामने की तरफ ब्रांच आ रही है ये, ठीक है, ये जो सामने की तरफ ब्रांच आ रही है इसको बोलते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और इसको बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स, सर्कल बना रही है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और ये आपकी इधर की साइड राइट साइड में निकली थी, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो आपकी थी ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के दो पार्ट बने, ठीक है, एक एंटीरियर डिसेंडिंग और एक बना था सर्कमफ्लेक्स, ठीक है, एंटीरियर डिसेंडिंग और सर्कमफ्लेक्स, ये सारी ब्रांच आपकी बन गई। अब जो यहाँ पे ब्लड की सप्लाई हो रही थी कोरोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, तो जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड की सप्लाई लेफ्ट वेंट्रिकल में मोस्टली होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही थी इसमें जो एंटीरियर डिसेंडिंग थी, अगर इसमें एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में 40-50% चांस होते हैं क्या बनने के, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में 40-50% चांस है, ठीक है। तो सपोज दैट किसी के हार्ट में कोई दिक्कत हुआ तो जब आप हार्ट का एग्जाम करोगे एग्जाम में जितने भी एग्जाम किए गए उसमें देखा गया कि 40-50% केसेस में जो एथेरोस्क्लेरोसिस बना था वो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच में बना था, ठीक है। फिर सेकेंड मोस्ट चांस आता है 40-30% 40-30% केसेस में पेशेंट में राइट कोरोनरी आर्टरी में देखा गया था, ठीक है, ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस था ये राइट कोरोनरी आर्टरी में 30-40% केसेस में देखा गया था, ठीक है, 30-40% केसेस में ये देखा गया था, ठीक है। फिर सबसे कम मिलता है आपको सर्कमफ्लेक्स ब्रांच में, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच में 15-20% चांसेस होते हैं ये स्क्लेरोसिस होने के, ठीक है। अब ये सारी जो इस्केमिक कंडीशन हो रही है ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रही है, इम्बैलेंस हो रहा है सप्लाई और डिमांड ऑफ ऑक्सीजन ब्लड में, ठीक है। अब इस इस्केमिक कंडीशन की वजह से फर्दर डिजीज होगी, वो डिजीज क्या होगी आपकी एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है, फर्स्ट डिजीज ये है। सेकेंड डिजीज आपकी होती है MI मायोकार्डियल इंफार्क्शन, थर्ड डिजीज होती है सडन कार्डियक डेथ, ठीक है, फोर्थ डिजीज है क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। ये सारी डिजीज हम एक एक करके नेक्स्ट के लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल वे में आपको बताऊंगा ये आप जरूर पढ़ना लेक्चर, इसमें सारे डिजीज के एंजिना पेक्टोरिस MI सबके मैं कॉज बताऊंगा क्या है और इनके जो डायग्नोसिस है वो बताऊंगा और इनके मेडिसिन भी बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपको लेक्चर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक करिए।